महाराष्ट्र में हर्षवर्धन पाटिल के बीजेपी छोड़कर शरद पवार गुट में शामिल होने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सोमवार को पार्टी के पूर्व नेता और एनसीपी में शामिल हुए हर्षवर्धन पाटिल की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया, जिन्होंने महायुति उम्मीदवार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने की बात स्वीकार की। बीजेपी ने पाटिल के पार्टी छोड़कर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होने के पीछे उनकी सत्ता के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा, हर्षवर्धन पाटिल की टिप्पणी शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के लिए भी चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उस बीजेपी के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई जिसने उन्हें सम्मान और पद दिया था। महाराष्ट्र में हर्षवर्धन पाटिल के बीजेपी छोड़कर शरद पवार गुट में शामिल होने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सोमवार को पार्टी के पूर्व नेता और एनसीपी में शामिल हुए हर्षवर्धन पाटिल की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया, जिन्होंने महायुति उम्मीदवार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने की बात स्वीकार की। बीजेपी ने पाटिल के पार्टी छोड़कर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होने के पीछे उनकी सत्ता के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा, हर्षवर्धन पाटिल की टिप्पणी शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के लिए भी चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उस बीजेपी के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई जिसने उन्हें सम्मान और पद दिया था।